आप सभी ने हाल ही में देखा है कि बेरूत जो आपकी लेबनान की राजधानी है, यहाँ एक विस्फोट हुआ है, उसी के संदर्भ में आपका आर्टिकल लिखा जा रहा है। तो देखेंगे लेबनान की भू राजनीतिक स्थिति भी देखेंगे, विस्फोट का कारण भी देख लेंगे, और जिसके कारण हुआ है अमोनियम नाइट्रेट, इसी के बारे में भी हम कुछ तथ्य महत्वपूर्ण जानेंगे। संगीत अमोनियम नाइट्रेट हानिकारक क्यों है, इस पर भी बात करेंगे, और इसका प्रभाव क्या क्या होगा, वैश्विक प्रतिक्रिया क्या आई हुई है उस पर भी बात करेंगे। भारत में अमोनियम नाइट्रेट विनियमन देखेंगे इसमें, और आगे की राय भी देखेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु होने और हजारों लोगों के घायल होने की संभावना है। इस विस्फोट की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी गूंज निकोसिया शहर तक सुनी गई है। निकोसिया आपका साइप्रस की राजधानी है, किसकी, साइप्रस की, जो विस्फोट वाले स्थान से लगभग आपका 250 किलोमीटर दूर स्थित है। आप समझ सकते हैं कि किसी विस्फोट का अगर 250 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है और जिसे सुना जा सकता है, तो आप समझिए कितना भयावह ये विस्फोट होगा। भूविज्ञानिकों का कहना का यह मानना है कि विस्फोट 3.3 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप के बराबर था। समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले एक बार आप लोग मैप्स पर चलते हैं। लेबनान आखिर कहाँ है? ये हमारा प्यारा भारत है, इसी हमें देख रहे होंगे आप लोग, दिख रहा है ये हमारा प्यारा भारत। ये आपका श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये सब सब आपके पड़ोसी हैं। अब हम बात कर रहे थे लेबनान। देखिए ये है आपका लेबनान, दिख रहा है, एशिया का ही देश है। बेरूत इसकी राजधानी हो गया। इसके अगर हम लोग पड़ोसी देशों की बात करें तो ये आपका सीरिया हो गया, इजराइल यही लगा हुआ है, ठीक है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये आपका भूमध्य सागर है, इसी की बात हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार धुएं के रंग और मशरूम आकार में छाए धुएं के गुब्बारे को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि विस्फोट का कारण अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में लगी आग हो सकती है। लेबनानी अधिकारियों का यह भी मानना है कि बेरूत बंदरगाह के वेयर हाउस में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था। कितना? 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जो विस्फोट का मुख्य कारण बना। विस्फोट के परिणाम स्वरूप बेरूत में लगभग आपकी 2.5 से 3.0 लाख लोग बेघर हो गए। आप समझ सकते हैं कि 2.5 लाख से 3 लाख लोग बेघर हो गए। लगभग 3 से 5 अरब डॉलर का नुकसान होने की संभावना है। वैसे आप स्थिति तो अभी समझ ही रहे, कोरोना महामारी से कोई भी देश नहीं छूटा हुआ है, फिर इस तरह की घटना घटना एक तरह से उस देश पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेबनान की अगर हम लोग स्थिति की बात करें, भू राजनीतिक स्थिति की, तो आपको बता चुका हूं मैं, एक ये आप किसकी राजधानी हो गई, ठीक है। इस तरफ आपका एक बार और बता देता हूँ, देखिए लेबनान इस तरह आपका भूमध्य सागर हो गया, फिर सीरिया ऊपर और नीचे इजराइल, ठीक है, इसके पड़ोसी देश। पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश लेबनान की जनसंख्या लगभग आपके है 68.5 लाख है। कितना? 68.5 लाख है, जिनमें से आप समझ सकते हैं कि अगर 2.5 से 3 लाख जनसंख्या अगर प्रभावित होती है इससे, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि टोटल यहाँ की जनसंख्या 68 लाख है, 68.5। लेबनान के उत्तर और पूर्वी पूर्व में आपका सीरिया और दक्षिण में इजराइल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्तर पूर्व में एशिया सीरिया देश मिलेगा और दक्षिण में आपका इजराइल देखने को मिलेगा। लेबनान मुख्य रूप से रोमन, अरब और उस्मानी तुर्कों के शासन के अंतर्गत रहने के बाद फ्रांस का उपनिवेश भी रहा है। इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के कारण लेबनान की धार्मिक और जातीय विविधता इसकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनाती है।
लेबनान की लगभग 54% जनसंख्या इस्लाम धर्म को और 40.7% जनसंख्या ईसाई धर्म को मानने वाली है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह फ्रांस का उपनिवेश बना और वर्ष 1943 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लेबनान लंबे समय तक गृह युद्ध में भी जूझता रहा। 1943 में क्या स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद एक गृह युद्ध में भी जूझता रहा। अगर हम लोग विस्फोट के कारणों की बात करें तो लेबनानी अधिकारियों के अनुसार बेरूत बंदरगाह के वेयरहाउस में लगभग आपका 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था जो विस्फोट का मुख्य कारण बना। लेबनान के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2013 में जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहे एक शिप ने तकनीकी कारणों से बेरूत बंदरगाह पर डॉक किया। बेरूत में शिप का निरीक्षण करने पर उसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। ज्वलनशील पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य न उपलब्ध करा पाने के कारण बेरूत बंदरगाह प्राधिकरण ने अमोनियम नाइट्रेट को सीज कर वेयर हाउस में रखवा दिया। संभवतः वेयर हाउस में रखी इस अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में आग लगने की वजह से यह विस्फोट आपका हुआ है। अगर हम लोग अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है। जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर नाइट्रेट ऑक्साइड, जिसे आप लोग लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाली गैस भी कहते हैं, बदल जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NH4NO3, याद रखिए इस सूत्र को भी क्योंकि चर्चा में है तो पूछा जा सकता है। यह साधारण ताप एवं दाब पर सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। कृषि में इसका उपयोग उच्च नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में तथा विस्फोटकों में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। इसे आमतौर पर एक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है जो दशकों से कई औद्योगिक विस्फोटों का भी कारण रहा है। कृषि क्षेत्र में अमोनियम नाइट्रेट को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और नमी के कारण यह मृदा में जल्दी घुल जाता है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती है जो पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट हानिकारक क्यों होती है? यदि संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट अग्नि या फिर अन्य विस्फोटक पदार्थों के संपर्क में आ जाता है तो यह बड़े विस्फोट का कारण बन सकता है। अगर इसे आपको संग्रह करके रखना भी है तो बहुत मतलब आपको देखना होगा कि सावधानी पूर्वक इसकी देखरेख करना होगा। बड़े पैमाने पर ऑक्सीकरण की विक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाली ऊष्मा से संघनित अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में आग लगने से भी काफी बड़ा विस्फोट हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार बेरूत में हुई घटना संघनित अमोनियम नाइट्रेट के अन्य विस्फोटक पदार्थ के संपर्क में आ जाने के कारण घटित होने की संभावना अधिक है। पूर्व में वर्ष 2013 में टेक्सास के एक उर्वरक संयंत्र में अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुए विस्फोट में कई लोग मारे गए थे उस समय, और वहीं वर्ष 2001 में फ्रांस के टूलूज में एक रासायनिक संयंत्र में विस्फोट का कारण भी आपका अमोनियम नाइट्रेट भी था। अगर इसके प्रभावों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंधों और कुछ घरेलू कारणों से लेबनान की आर्थिक स्थिति बीते कुछ वर्षों से काफी खराब हुई है। लेबनान की अर्थव्यवस्था की बात करें यहाँ तो यहाँ की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वर्तमान में लगभग 1500 लेबनानी पाउंड की कीमत $1 से भी कम है। अब आप समझिए, क्या समझना है आपको? मान लीजिए भारत भारत को ही ले लीजिए पहले, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक अमेरिकी डॉलर के लिए हमें 1500 रुपये देना पड़े तो आप समझिए कि कितनी बुरी स्थिति हमारी होगी। कि हमें एक अगर अमेरिकी डॉलर खरीदना है तो हमें उसके बदले 500 सॉरी 1500 रुपये देना होगा। यही हालत आपकी समझ रहे हैं लेबनानी पाउंड की है। लेबनान में बेरोजगारी चरम पर है, यानी कि बहुत बुरी स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार लेबनान में बेरोजगारी की दर 30% तक पहुंच गई है। वर्तमान में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक 3 युवाओं में से केवल एक युवा ही को ही रोजगार मिल पा रहा है। लेबनान की जनता व्यापक भ्रष्टाचार का सामना कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार लेबनान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक
एक ये आपका 180 देशों की सूची में 137वें स्थान पर रखा गया है इसे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लेबनान में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। ऐसे में आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बेरूत में यह घटना लेबनान की समस्याओं में और अधिक वृद्धि कर देगी। रासायनिक व भौतिक रूप से संवेदनशील स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा न कर पाने के कारण वैश्विक बिरादरी के समक्ष लेबनान की छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित भी हुई है। आप सोचिए कि वही हालत है कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत तो पहले से ही खस्ता थी, और जितनी कमी थी उसकी किसने कर दी? कोरोना महामारी ने। लेकिन लेबनान की और बुरी स्थिति हो गई। जितनी उसकी स्थिति खराब थी, उसे लेबनान की जो आर्थिक स्थिति थी वो किसने पूरी कर दी? कोरोना ने। और जितनी कमी उसमें रह गई थी वो पूरी कर दी इस विस्फोटक ने। ठीक है, अगर हम लोग वैश्विक प्रतिक्रिया की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ओर इशारा किया कि बेरूत में हुई घटना जानबूझकर किए गए हमले की ओर संकेत करता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक मतलब अलग तरह के प्राणी हैं। इनके बारे में कुछ ही कहना मुश्किल है, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। अब इनकी बातों को उतना सीरियसली भी नहीं लिया जाता है, समझ रहे हैं? ट्रंप के बयान के बाद से ही कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने इसे लेबनान के राजनीतिक संगठन हिजबुल्ला को लेबनान की राजनीति से अलग थलग करने के लिए बेरूत पर दबाव डालने की मंशा से इसराइल के द्वारा की गई कार्रवाई के रूप में भी देख सकते हैं। विदित है कि लेबनान की राजनीति में दखल रखने वाले संगठन हिजबुल्ला को इसराइल एक आतंकवादी संगठन मानता है। हालांकि इसराइल ने बेरूत में हुई इस घटना में अपनी किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार कर दिया है। इसराइल ने बेरूत में बचाव कार्य हेतु लेबनान को सहायता की पेशकश भी की है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों बेरूत की घटना के बाद लेबनान का दौरा करने वाले प्रथम राजनेता भी है। ये भी आपका पूछ सकते हैं कि कौन गया था सबसे पहले, तो इसे भी याद रखना। ठीक है, मैक्रों ने लेबनान की जनता से बेरूत के पुनर्निर्माण का वादा भी करते हुए लेबनान से भ्रातृत्व एवं एकजुटता का संदेश भी दिया। भारत सरकार ने बेरूत में जारी बचाव कार्य में सहयोग देने हेतु अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। ये एकता का प्रतीक होता है। देखिए, किसी भी देश पर अगर किसी तरह का संकट आया हुआ है तो एक दूसरे की मदद करना ये आप देशों से सीख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में भी इसे लागू कर सकते हैं। भारत में अमोनियम नाइट्रेट विनियमन की बात अगर हम लोग करें तो भारत में अमोनियम नाइट्रेट के वैध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट नियमावली 2012 में विभिन्न सुरक्षात्मक उपाय किए गए। इसका उद्देश्य पूरे देश में अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री अथवा उपयोग के लिए इसके निर्माण, विनिर्माण, रूपांतरण, आयात निर्यात आदि को विनियमित करना। अमोनियम नाइट्रेट नियमावली 2012 में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण को अवैध घोषित किया गया है, और मुझे लगता है किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि 1984 में आपके भोपाल में एमपी में आपने देखा था किस तरह से गैस का विस्फोटक हुआ था, उसका प्रभाव आज तक हम लोग देखते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरह के जो भी विस्फोटक कार हो, इस तरह के जो हानिकारक कार हो, मुझे लगता है कि शहरों से दूर ही इन्हें बनाना चाहिए, रखना चाहिए। इनका प्रोडक्शन जो भी उत्पादन हो, इन सबको आप सोचिए कि शहरों से जनसंख्या जहां रह रही हो उनसे दूर ही इन सभी की व्यवस्था की जानी चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के तहत एक औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता भी होती है। इसमें आगे की राय की आवश्यकता है। वर्तमान में सभी देशों के सहयोग से लेबनान को बेरूत में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लानी चाहिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में जब सभी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, तब ऐसी स्थिति में सभी देशों को मिलकर सामूहिक रूप से लेबनान में हजारों की संख्या में घायल व्यक्तियों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। प्रत्येक देश को बेरूत में हुई घटना को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए और अपने देश में मौजूद अमोनियम नाइट्रेट व अन्य ज्वलनशील पदार्थों की विनियमन के लिए नीति का निर्धारण निर्माण करना चाहिए। या आप सोचिए कि चाणक्य का वही शब्द याद आ जाता है कि दूसरे देशों की गलतियों से, यानी कि दूसरों की गलतियों से आप सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने पर ही गलती अजमाते रहे तो वो जिंदगी कब पड़ जाएगी, समझ रहे हैं? तो हमने ना तो देखी आप कोरोना महामारी के दुष्चक्र को हम लोगों ने दूसरे देशों से समझा, क्योंकि जब बाकी देशों में फैल रहा था
उस समय हमारी भारत सरकार चुप बैठी हुई थी, तो उस समय हमें मतलब अपने पूरे प्रयास कर लेना चाहिए थे। तो हो सकता था कि आज इतने लोगों की जान जा रही है, ना तो इतने लोगों की जान जाती और ना ही हमारी हमारी जो अर्थव्यवस्था है इतनी बुरी तरह से प्रभावित होती। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बन चुकी है। ठीक है, तो ये थी आपकी जो बेरूत में विस्फोट हुआ है उसकी कहानी। ठीक है।